गुड जॉब ब्रदर, कीप डूइंग, वेरी गुड। आगे है सारी की सारी बाइक, आ गए हम फिर से आराम बोल बीच पे, पीछे पार्किंग दिख रही है, तो वहाँ पे है चांद और ये है सनसेट। क्या बात है, ये भी एक्साइट है जो हर रोज नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों को शैक्स पे दिखाई दे रहा होगा कि फ़िलहाल जो शैक्स हैं वो काफ़ी हद तक खाली हैं। यहाँ पे जो है आरामबोल बीच पे फॉरेन क्राउड ज़्यादा है, इंडियंस बहुत ही कम है नंबर्स में। ये जो शैक है बॉम्बे टू मॉस्को वाला, वहाँ पे किड्स जोन है जहाँ पे आप अपने बच्चों को रख सकते हो और आप बाहर चिल कर सकते हो मस्त में। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट बाय द वे, लेकिन दिखाई दे रहा है आपको कितना ज़्यादा खाली है आरामबोल बीच इस टाइम पे। जैसे दिसंबर आएगा ये भरना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग थे जो बीच पे चिल कर रहे थे, बहुत लोग ऐसे डांस कर रहे थे, मौसम का मज़ा ले रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था सनसेट में। तो ये लोग मस्त में म्यूज़िक पे नाच रहे हैं और ये रहा वो खूबसूरत सनसेट जो आरामबोल बीच पे दिखाई देता है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ही अच्छा बीच है, साफ सुथरा बीच है, अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट गोवा, यू कैन चिल एनीवेयर दैट यू वांट टू एंड प्ले म्यूजिक एंड पीपल लाइक इट। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे, मैंने देखा आरामबोल बीच पे बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक भी है। बहुत सारे लोग हैं जो पानी को छोड़ के बाय बाय आगे जा रहे थे या शार्क पे बैठने चिल करने के लिए। और यहाँ पे देखो ये जो लोग हैं ये म्यूज़िक सुना रहे हैं, मैंने म्यूज़िक बंद किया कॉपीराइट इशू से, लेकिन बहुत अच्छा म्यूज़िक था। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, लग रहे थे वेरी गुड जॉब गाइज, यू नो मैंने देखा आपने वो बच्चे को भी छोड़ा ना वहाँ पे, वेरी गुड। सो प्लीज़ लिसन टू दीज गाइज, जब वो कह रहे हैं कि पानी ख़राब है मत जाओ, तो ऐसे मत तुम लोग यार, तुम लोग कुछ हो जाएगा इन बिचारों पे आ जाएगा। गुड जॉब ब्रदर, कीप डूइंग, वेरी गुड। तो बहुत लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे थे कि सबसे ज़्यादा फॉरेन क्राउड कहाँ पे होता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फॉरेन क्राउड आरामबोल मैंड्रम मुरजिम पे होता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नहीं पता कि मैं यहाँ पे 1.5 से 2 महीने रहने वाला हूँ, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग गोवा, होटल के रेट्स कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा पार्टी कहाँ पे होती है, कौन सा बीच सबसे अच्छा है फैमिली के लिए, अलोन टाइम के लिए, कपल्स के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए और जो मन में आए वो पूछिए। तो भाई मैं 2 घंटे से व्लॉग कर रहा हूँ, चल चल के थक गया हूँ, अब मैं जाना शाक पे बैठने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। आज भी जो बाइक्स है वो काफ़ी आगे है सारी की सारी बाइक्स, देयर इज़ नो पार्किंग लेफ्ट। शाम ढलते ढलते मुझे नज़र आए ये मछुआरे जो बड़ी मुश्किल से अपनी बोट को अंदर लेके जा रहे थे, और ये इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हम फ्रेश मछली खा पाएँ, फ्रेश खाना खा पाएँ। थैंक यू टू ऑल दी लोकल्स फॉर एन अमेजिंग टाइम इन गोवा, थैंक यू वेरी मच।